हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशियों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। इसी प्रकार श्रावण पुत्रदा एकादशी में निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति कराने की शक्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं। यह व्रत श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा करने के बाद उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित कुछ भी धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी और परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर ऋषि ने कहा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान लोगों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत सारे बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि यह 2-3 दिन से प्यासा और भूखा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए रुका। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई गाय, जो कि बहुत ही प्यासी थी, जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया।
और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा कहकर सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में तो पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः आप जिस प्रकार से भी राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होते हैं और इस लोक के संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।